हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है भिंडी मसाला। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भिंडी को अच्छे से धो ले और इसका सारा पानी सुखा ले। अब इस तरह से भिंडी को बड़े साइज में कट कर ले और बीच से एक कट लगा दें। इसी तरह सारे भिंडी कट कर ले। पैन को अच्छे से गर्म होने दें। अब इसमें तेल डालें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम भिंडी डालेंगे। भिंडी को हमेशा हाई फ्लेम में फ्राई करें। अगर आप इसे लो फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा, जिससे भिंडी चिपचिपा हो जाएगा। जब भिंडी थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। भिंडी फ्राई हो चुका है, अब इसमें आधा चम्मच हल्दी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर अच्छे से मिला दें। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर चेंज हो चुका है, मतलब ये फ्राई हो चुका है। इसे हम निकाल लेते हैं। सेम पैन में हम अब मसाला फ्राई करेंगे। अगर आपको तेल कम लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग तेल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चम्मच सरसों और एक मीडियम साइज का प्याज का पेस्ट बना लिया है और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें। इसका पानी सूखने तक हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसका पूरी तरह से पानी सूख चुका है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट रेडी किया है। अब इसे अच्छे से मिला दें। टमाटर का पूरा पानी सूखने तक इसे फ्राई कर ले। आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक ऐड कर ले। थोड़ा सा पानी डाल दे ताकि मसाला जले नहीं नीचे से और अच्छे से मिल जाए। नमक हिसाब से डालें क्योंकि हमने भिंडी फ्राई करने के वक्त भी नमक ऐड किया था। मसाला से तेल आने लग गया है। मसाला फ्राई हो चुका है, अब इसका फ्लेम लो कर दे। अब इसमें दही डालेंगे। मैंने यहाँ पे दो चम्मच दही डाला है। इसे लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर ले। दही ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहे तो इसे स्किप कर दे। मुझे भिंडी मसाला थोड़ा खट्टा पसंद है, इसलिए मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिलाएं और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। इसका फ्लेम हाई कर दे। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ भिंडी ऐड करेंगे। इसे मसाला के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर ले। ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे। 1/4 कप पानी ऐड करें और इसे अच्छे से मिला दें। अब इसे हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक पकने दें। भिंडी मसाला हमारा रेडी है, अब इसका फ्लेम बंद कर दें। आप इसे गर्म रोटी या पराठा के साथ सर्व करें, आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।